यस ब्रदर यस। चलो अब इसका एक सवाल देखते हैं और थोड़ी बहुत चीजें इसी से समझते हैं। सवाल बहुत इसके रिपीट हो रहे होते हैं पहली चीज इसकी, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों ने करके जानी है ताकि इसमें भंड नहीं मार देना फालतू में। बड़ा सवाल होता है 8-8 मार्क के। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं इसका। क्वेश्चन 1 एमर, चलो बस अब पढ़ लो, टाइम जाइन करो। क्वेश्चन 1 सर, आपके नोट्स में इमेजेस नहीं आती जो आपने उस ड्राइव में शेयर किए हुए हैं? कौन से नोट्स में नहीं आई? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में एक भी इमेज नहीं थी। लोड होने से पहले अगर मैं वो कर देता ना प्रिंट, तो फिर होता है। मुझे बता देना जिसमें भी मसला आ रहा हो ना, तो मैं ओके सर। उसको चेंज कर देंगे। यही है ना आई गेस। चलो स्टार्ट करें। ये एक सवाल है आप लोगों का असेंबली लैंग्वेज का, सही? बस दुआ करो यही आ जाए सुकून से। 5 मार्क्स इसके मिलेंगे, 8 मार्क्स इसके मिलेंगे, सुकून से उठाओ ये। चलो भाई सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा इसके अंदर भी आप लोगों को सारी चीज़ें दी हुई होंगी, इंस्ट्रक्शन सेट्स, ऑपकोड, ऑपरेंड, सारी चीज़ें दी हुई हैं, सब चीज़ें लिखी हुई हैं एक एक चीज़, और उसके बाद लॉजिकल शिफ्ट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, सब चीज़ें लिखी हुई। अब वो कह रहे हैं सवाल को जल्दी से गौर से पढ़ते हैं, सब टाइम ज़ाया नहीं करें और यहाँ पर फोकस कर लें। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे, अ प्रोग्रामर नीड्स अ प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाइज, इस चीज़ को गौर से पढ़ो, दैट मल्टीप्लाइज अ बाइनरी नंबर बाय 4, सही है? 4 से हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। एम, चलो बस अब पढ़ लो, टाइम ज़ाया नहीं करो, सही है? सबसे पहले वो हम लोग लाइंस पढ़ते हैं यहाँ से, सब चीज़ें हम लोग यहाँ से डिटेल में पढ़ते रहेंगे और उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखते रहेंगे, सही? अब वो कह रहा है लोड कंटेंट ऑफ नंबर। लोड कंटेंट ऑफ नंबर मतलब नंबर एक ऐसा वेरिएबल है, उसको हम लोगों ने लोड करना है, तो हम क्या करेंगे, LDD नंबर। नहीं याद आ रहा तो आप ऊपर जाओ, ऊपर जाके देख लो कि अगर कोई भी वेरिएबल्स आप लोगों ने, यहाँ से देखो LDD आप लोगों ने किया, और यहाँ से डायरेक्ट एड्रेसिंग लोड द कंटेंट ऑफ द लोकेशन एट द गिवन एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर, सही है? नंबर हम लोगों ने उसका यहाँ पे लोड करवा लिया। फिर वो कह रहा है परफॉर्म शिफ्ट टू मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी हम लोगों को पता है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखूंगा अगर मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तो मैं क्या करूंगा, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और कितना, #2, क्योंकि ये मैंने ये 2 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2, इससे मैं लॉजिकल शिफ्ट करूंगा। अभी हम लोग ऊपर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर डिटेल में स्टडी कर कर आ चुके हैं। और वो कह रहे हैं स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन नंबर, तो STO नंबर वापस से मैंने स्टोर कर दिया। स्टोर की इंस्ट्रक्शन याद नहीं आ रही, ऊपर गए आप लोग, ऊपर गए आने के बाद यहाँ से आप लोगों ने स्टडी कर ली इसकी इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद एंड प्रोग्राम कह रहे हैं, एंड की कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है, आपने यहाँ पे लिख दिया बस एंड। कोई मसला किसी को इसमें? इस चीज के आपके 5 मार्क्स हैं जो कि आप इजीली 2 सेकंड के अंदर गेन कर सकते हैं। कोई इश्यू तो जल्दी से चैट पे जाओ। तो तुम कर लोगे बिला शक, मुझे भरोसा है, तुम पे टेंशन नहीं लो। इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी, कमेंट्स दिए हुए होंगे, और उन्हीं को आपने अप्लाई करना है। लोड कंटेंट ऑफ नंबर तो आपने LDD नंबर कर लिया, परफॉर्म शिफ्ट टू मल्टीप्लाई बाय 4 तो आपने LSL #2 कर लिया, क्यों किया, क्योंकि सब चीज़ें लिखी हुई थी। और वो कह रहे हैं स्टोर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन नंबर, तो आपने STO की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की और आपने एंड कर दिया। कमेंट्स को रीड करते हुए आपने इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करना है।
लोड करने के अलग अलग तरीके हैं, एल डी एम, एल डी डी, एल डी आई, एल डी एक्स, एल डी आर। अब आप लोगों ने आइडेंटिफाई ये करना होता है कि आप लोग कौन सा पर्टिकुलर लोडिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। लोड कंटेंट ऑफ नंबर, इसमें सिर्फ नंबर को लोड करना था तो आपने एल डी डी इस्तेमाल कर लिया, बाकी सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं तो ऐसा कोई इसका मसला नहीं आना चाहिए। आप चलो थोड़ा सा बड़ा सवाल करते हैं। अच्छा, इनिशियलाइज एल डी डी नंबर, एल एस टू स्टोर नंबर, बिल्कुल सही। ठीक है चलो, अब इस सवाल को देखते हैं। अब वो कह रहे हैं अ प्रोग्रामर नीड्स अ प्रोग्राम, पहले इसका सवाल पढ़ना जरूरी है। हाँ हाँ सही है, बेहतरीन। वैसे क्या अब क्या सब तो लिखा हुआ है आंसर पे, अब क्या दे रहे हो मुझे तुम आंसर से, कैसा बंदा यार ये। चलो अब एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको कंसिडर करो, और कुछ चीज़ें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ उसको देखो, ताकि जितने भी पॉसिबल के सवाल हैं ये तुम लोगों से इजीली सॉल्व हो जाए। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अ प्रोग्रामर नीड्स अ प्रोग्राम दैट काउंट्स द नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स इन अ स्ट्रिंग। एज सच आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर इसको पढ़ लेते हो तो थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे होंगे। सही है, अ प्रोग्रामर नीड्स अ प्रोग्राम दैट काउंट्स द नंबर ऑफ लोअर केस लेटर। काउंट्स द नंबर ऑफ लोअर केस लेटर मतलब काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन वाली जो हम लोग ने लॉजिक पढ़ी हुई है काउंटिंग के लिए, वही हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, मतलब इंक्रीमेंट कर रहे होंगे एक तरीके से ना। तो इस चीज को तुम लोग दिमाग में रखो। अ प्रोग्रामर नीड्स अ प्रोग्राम दैट काउंट्स द नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स इन अ स्ट्रिंग। द प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू राइट द प्रोग्राम इन द फॉलोइंग टेबल। द कमेंट कॉलम कंटेन्स एक्सप्लेनेशन फॉर द मिसिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। कंप्लीट द प्रोग्राम यूजिंग द गिवन इंस्ट्रक्शन सेट। अ कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट इज प्रोवाइडेड ऑन द अपोजिट पेज। इसकी बात कर रहे हैं वो आपसे, इंस्ट्रक्शन सेट्स ये होती हैं। ठीक है अच्छा, इनिशियलाइज इंडेक्स रजिस्टर टू जीरो, उसने करके दे दिया आपको कि एल डी आर हैशटैग जीरो। इनिशियलाइज करने के लिए एल डी आर हैशटैग जीरो इस्तेमाल करते हैं अगर आप इंडेक्स रजिस्टर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। नहीं याद आ रहा, ऊपर जाओ थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लो, उसको पढ़ने के बाद तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा इमीजिएट एड्रेसिंग, लोड द नंबर एन टू आई एक्स, तो इससे आप इनिशियलाइज कर लेंगे। सही है, अब वो कह रहे हैं हम लोगों ने जो लिखना है ना वो ये है, कह रहे हैं लोड द नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रिंग। सही है, अब एक चीज याद रखो, स्ट्रिंग को ना पहले आइडेंटिफाई किया करो, जो भी यहाँ पे वो कह रहे हैं ना उसको आइडेंटिफाई करो करो कि ये बेसिकली क्या क्या वैल्यूज कंसिडर हो रही हैं इसके अंदर। अगर स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है तो आप उसमें एलडीडी अप्लाई कर देना। अब गौर से सुनो, मैं इसको लिखवा नहीं रहा, अगर लिखना है तो लोगों ने नोट करके लिख लो उसको अपने पास। अगर किसी भी वेरिएबल की सिर्फ एक वैल्यू है तो उसमें तुम लोग एलडीडी इस्तेमाल करोगे, लेकिन इस सिनेरियो में देखो कि कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर हम लोग एक चीज दिमाग में रखा करो कि पहले हम लोग इस वाली वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, फिर किसी भी एक पर्टिकुलर रजिस्टर को हम इंक्रीज करेंगे ताकि हम लोग ये वाली वैल्यू को इस्तेमाल करें, फिर किसी रजिस्टर को इंक्रीज करेंगे ताकि हम ये वाली इस्तेमाल करें, फिर ये इस्तेमाल करेंगे, फिर ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी स्ट्रिंग की जब वैल्यूज आ रही होती हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं, तो हम लोग कौन सा लोडिंग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल डी एक्स। इस चीज को दिमाग में रखना है, एल डी एक्स स्ट्रिंग। सही, अब इसके बाद वो कह रहा है परफॉर्म बिट वाइज एंड ऑपरेशन विद मास्क। मास्क क्या है, मास्क की इन्होंने नीचे वैल्यू दी हुई है, और वैल्यू के बाद वो कह रहे हैं बिट वाइज ऑपरेशन एंड का जो हम लोगों ने बिट मैनिपुलेशन के अंदर स्टडी किया था उसको अप्लाई करना है। नहीं याद आ रहा कोई मसला नहीं, ऊपर जाओ यहाँ पे देख लो, बिट वाइज एंड ऑपरेशन सब चीजें मेंशन होती हैं। इसके बाद तुमने यहाँ पे लिखा ए एन डी एम ए एस के, मास्क। सही है, अब वो कह रहे हैं चेक चेक इफ रिजल्ट इज इक्वल टू मास्क। चेक इफ रिजल्ट इज इक्वल टू मास्क, चेक मतलब थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो कि हम लोग ए एस के अंदर एक चेक की स्टेटमेंट पढ़ी थी जो कि कंपेयर की स्टेटमेंट होती है। जब भी आपको किसी में कंपैरिजन करना होता है तो हम लोग सी एम पी वाली इंस्ट्रक्शन सेट को इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा, नहीं याद आ रही ऊपर से जाकर उसको समझ लो, एक दफा पढ़ लो, लेकिन अगर तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सी एम पी एम ए एस के, तुमने उसी की वैल्यू को मास से कंपेयर कर लिया। अब वो कह रहे हैं इफ फॉल्स जम्प टू अपर। इफ फॉल्स, इफ फॉल्स वाली कंडीशन कब थी, जेपीएन या जेपीई, जल्दी से देखो। फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ द कंपेयर वाज फॉल्स। अगर फॉल्स था तो हम लोग जेपीएन इस्तेमाल करेंगे, अगर ट्रू होता है तो हम लोग जेपीई इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस सिनेरियो में उन्होंने बोला इफ फॉल्स तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जेपीएन।
जेपी एन, इफ फॉल्स जंप टू अपर, जेपी एन अपर यहाँ पे कर देंगे, अपर क्या है, हेरा भाई, एक सिंबल है, लेबल, यू पी पी ई आर। अब यहाँ पे देखो सेम चीज आ गई, इंक्रीमेंट काउंट, इंक्रीमेंट काउंट के अंदर क्या स्टेप्स थे, तीन स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप उसको लोड कराते हैं, ये चीज आपकी रिपीट होगी, आप उसको लोड कराते हैं, फिर आप उसके अंदर इंक्रीमेंट कराते हैं, इंक्रीमेंट ACC, फिर आप उसको वापस से स्टोर कराते हैं। हमेशा आपको ये ऐसी तीन जगह मिलेंगी, यहाँ पे भी स्टोर कहाँ कराएंगे, वापस से उसी वेरिएबल के अंदर, स्टोर काउंट। अब वो कह रहे हैं इंक्रीमेंट दी इंडेक्स रजिस्टर INC IX इस्तेमाल कर लिया, नहीं याद आ रहा, ऊपर देखो उन्होंने तो करके दिया हुआ है, INC देखो कहाँ पर है, INC है भी या नहीं, हाँ है, INC, और रजिस्टर की वैल्यू लिखनी होती है ACC या IX, सब चीजें मेंशन हुई भी है, इन्होंने इंडेक्स में कहा था तो INC IX लिख दिया। अब वो कह रहे हैं डिक्रीमेंट लेंथ, सही है, डिक्रीमेंट लेंथ का मतलब क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट, तीन जगह दी हुई है आपको, सबसे पहले आपने उसकी वैल्यू को लोड करना होगा, LDD LEN GTH लेंथ, इसका आपने पहले लोड कर दिया, लोड करने के बाद इंक्रीमेंट पहले था तो INC इस्तेमाल किया, डिक्रीमेंट है तो आप DEC इस्तेमाल करेंगे, DEC ACC, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको वापस से स्टोर कर देंगे जो कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं, LEN GTH। अब वो कह रहा है इज लेंथ इज इक्वल टू जीरो, इज जब आ गया तो मतलब कंपैरिजन आ गया, कंपैरिजन का मतलब है CMP, और वैल्यू से कंपेयर करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे #0, सही है। अब वो कह रहा है इफ फॉल्स जंप टू स्टार्ट, फिर वही सेम कंडीशन, JPN स्टार्ट, एंड प्रोग्राम हो गया, एंड प्रोग्राम हो गया, पाथ खत्म हो गई, ये आपके 8 मार्क्स मिल गए आपको। जल्दी से चैट पे जवाब दो, कोई मसला किसी को इसमें, थैंक यू सर, थैंक यू, एनी इश्यूज, जल्दी जल्दी, अच्छा सॉरी सर, भाई प्रैक्टिस कर लो, कोई मसला ही नहीं। ओ माय गॉड, तो मैं जो इतना हलवा करके पढ़ा रहा हूँ वो कुछ नहीं, अब्दुल्ला सही है भाई, सही है, उसी से सीखो जिसने बनाई है ये लैंग्वेज। इमाद समझ आ गया, हाशिम, इमाद, हाशिम, तानसारी, अहमद, क्लियर है? चलो बेहतरीन, एक और सवाल देखते हैं इसका। मैं देख लूं पहले अगर कोई मुश्किल है इसमें, है तो आसान ही, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर भी, जल्दी जल्दी। अब मैं थोड़ा स्पीड तेज रखूंगा सवाल सॉल्व करते हुए, नहीं समझ आए कोई स्टेप तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर टू, इसके अंदर भी आपको इंस्ट्रक्शन सेट दी भी है आपने, यस ब्रो यस, इसीलिए तो कह रहा हूँ, दुआ करो ये आ जाए इंशाल्लाह। इसके 5 पेपर्स की सवाल भी बहुत ज़्यादा हैं पेपर 4 के ना, तो मतलब ये है कि ये आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, और जितने भी सवाल लिखोगे ना सब तकरीबन सही है, बस प्रैक्टिस मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं, वो मैं करवा लूंगा प्रैक्टिस, मसला नहीं उसका मुझे। चलो इस सवाल को देखो, ये भी 9 मार्क का सवाल है फालतू में, ठीक सही है भाई, सही है, चलो जल्दी से देखो इसको, ऊपर से पढ़ो, अ प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाइज टू नंबर टुगेदर एंड आउटपुट्स द रिजल्ट, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है और उनका रिजल्ट आउटपुट करता है, द नंबर्स आर स्टोर्ड एज नम वन एंड नम टू, नम वन और नम टू के उसमें वो स्टोर हुए हुए हैं वेरिएबल्स के अंदर, द प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू राइट द प्रोग्राम इन द फॉलोइंग टेबल, द कमेंट
कॉलम कंटेन एक्सप्लेनेशन फॉर सम ऑफ द मिसिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। अच्छा इसको ना यहाँ पे पढ़ लिया करो कि किस किस चीज़ में आपकी मिसिंग है। कभी कभी जो होता है वो लेबल के अंदर भी मिसिंग होती है, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना कि मिसिंग किस चीज़ में है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डाटा के अंदर इस सिनेरियो में। तो हम सिर्फ उन पर ही फोकस करेंगे। सही है, लोड द वैल्यू फ्रॉम आंसर। जल्दी जल्दी चैट पे इन डायरेक्ट मैसेज करो, सब चैट को डायरेक्ट मैसेज पे कन्वर्ट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। अब्दुल्ला खान साहब बिल्कुल सही जवाब, जल्दी सबका जवाब चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। लोड द वैल्यू फ्रॉम आंसर, और आंसर की वैल्यू के नीचे तुम लोगों ने देखनी है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू कंसिडर हो रही है। इमाद सही है लेकिन पूरा लिखना होगा, ठीक है, वेरिएबल का पूरा नाम आएगा। बेहतरीन है, जवाब सही है, जल्दी जल्दी जवाब दो। अहमद जवाब चाहिए तुम्हारा, तान सारी जवाब चाहिए। लोड द वैल्यू फ्रॉम आंसर, अहमद सही है, एडिटी आएगा ना इसके अंदर। तो बेटा डायरेक्ट मैसेज का कोई मतलब होता है या नहीं होता? नहीं सर, हम डायरेक्ट नहीं करते। क्या बात है, पूरा बताओ मुझे। ऑपकोड और ऑपरेंट दोनों बताओ। जल्दी जल्दी, टाइम ज़ाया नहीं करो। अहमर आवाज आ रही है, तान सारी सही है तुम्हारा, लेकिन देखो जब आप वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते थे। अरे भाई ये कौन आया, अबे भाई अब्दुल्ला तुम भी ना, कसम खुदा जी कैसा बंदा है यार ये, आगे भागना है बस आगे भागना है। ठीक है सर, यू यू पापा, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा टीम वर्क भी होता है यार, मतलब सबके साथ मिलके बंदा करता है, थोड़ी उनको भी मोटिवेशन होती है। जी सर सर यू जीनियस, ओके सर, सॉरी सर। अहमद मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला है। सर ये ऊपर करेगा जरा ऐड का फंक्शन बनने दे, सर ये रहा ना ऐड एड्रेस, ये रहा ये रहा ये रहा। बेटा पहली इंस्ट्रक्शन तो बता दो मुझे, यहाँ क्या आएगा पूरा आई तो है बताओ ना। बगर सर, हम करेंगे जो लोड वाला होता है, लोड का क्या होता है इसके अंदर, ये एलडीडी। हाँ, एलडीडी फिर एलईडी और ये जो ग्रेटर और लेसर के निशान होते हैं उसके अंदर आंसर लिखेंगे, और यहाँ पे इसके जो निशान होते हैं वो लगाएंगे, निशान निशान नहीं लगाएंगे, बस यही नहीं लिखना है। लगाएंगे। ये कौन सा आ गया भाई, ओके सर, अब्दुल्ला शाह साहब सॉरी सर, ठीक है सर। अच्छा इसके बाद क्या, ऐड द वैल्यू फ्रॉम नंबर 1, या मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ इसको, देखो ADD नंबर 1, नंबर 1 की वैल्यू में से आप लोगों ने बिल्कुल सही। आगे बताओ अभी इस लाइन में क्या आएगा। अच्छा जरा देखें, आपने अब्दुल्ला सही किया है इसको, यानी सही किया नहीं 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 अब्दुल्ला नहीं, एलईडी काउंट नहीं। देखो जब भी आपने ऐड किया है ना, तो उसका आपने वापस स्टोर करना होगा। देखो आंसर के अंदर ऐड करो ना, तो आपने उसको वापस से स्टोर करना होगा आंसर के अंदर। हाँ सही है सही है। फिर उसके बाद वो कहता है लोड द वैल्यू फ्रॉम काउंट, काउंट की वैल्यू लोड करो, LDD COUNT इंक्रीमेंट द एक्यूमुलेटर INC,
ACC, और उसके बाद हम लोग स्टोर वापस करते हैं काउंट के अंदर। इस काउंट इस नम टू इज इक्वल्स टू काउंट CMP काउंट, CMP काउंट के बाद इफ फॉल्स जंप टू लूप JPN, सॉरी JPN लूप, लोड द वैल्यू फ्रॉम आंसर LDD आंसर आउटपुट, मतलब सिर्फ इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे आउट, एंड ऑफ प्रोग्राम END, ये हो गया जी। ठीक है, सर उसमें जो कंपेयर काउंट किया उसने, उसको कैसे पता कि नम टू से कंपेयर करना है काउंट को? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कहाँ की बात कर रहे हो? वो कंपेयर काउंट जो है सही, इज नम टू इक्वल्स टू काउंट में। एक मिनट, स्टोर काउंट ठीक है, इज नम टू इज इक्वल्स टू काउंट, multiplies two numbers together and outputs the result. The number just is number and num two. The program has started to write the program in the following table. Look at the bottom. Some of them is a program instruction and data. Take a load the value from answer one. एक मिनट रुक जाओ, पहले देख लो। स्टोर काउंट की जगह एलईडी नम टू होगा ना, इंक्रीमेंट दी एक्यूमुलेटर। एक सेकंड, हाँ सही 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 सही, आपने एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट करवाया, इंक्रीमेंट करवाने के बाद अब आप यहाँ पे एलडीडी लगाएंगे। सही 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 सही, एलडीडी नम टू, बिल्कुल सही अब्दुल्ला। जब आपके पास एक्यूमुलेटर में आ जाएगा फिर आप कंपैरिजन कर लेंगे काउंट से। अब सही है, स्टोर काउंट एलईडी काउंट। अच्छा मैं इसकी ना मार्क्स स्कीम भी देख लेता हूँ जब तक तुम लोग ये करो यहाँ तक, फिर उसके बाद क्वेश्चन थ्री एक और करो। मैं जब तक तो इसके मार्क्स देखता हूँ और वो मार्क्स की भी पढ़ता हूँ, एक मिनट रुको। क्वेश्चन थ्री अभी बहुत आसान है, बस इसकी प्रैक्टिस करके चले जाओ तो इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे तुम लोग, मसला नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। अच्छा ना इसके अंदर थोड़ी बहुत तुम लोगों ने AS के अंदर जो नॉलेज थी उसको भी इस्तेमाल करना होगा। अब वो यहाँ पे मार्क्स की वैल्यू भी मांग रहे हैं और नंबर टू की भी वैल्यू मांग रहे हैं, टू वंस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मैं इसका करके दिखा देता हूँ, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे हो? अच्छा सबसे पहली चीज है आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए वो क्या कह रहा है, कन्वर्ट पॉजिटिव इंटीजर स्टोर्ड एट एड्रेस नंबर वन। सबसे पहले काम मुझे तो LDD नंबर वन करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मेरे पास पहले नंबर आ जाए मेरे पास अक्यूमुलेटर के अंदर। इनटू इट्स नेगेटिव इक्विवेलेंट कन्वर्ट टू वंस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो एक तरीके से इन्वर्स हो जाए, जितने भी वैल्यूज हैं उनको इन्वर्स हो जाए। इन्वर्स के लिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत याद करो, याद करने की कोशिश करो, बिट मैनिपुलेशन के अंदर हमने एक इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा था जिससे आप इन्वर्स करते थे और वो था जोर। सही है, जोर से क्या होता था, जब भी आप जोर अप्लाई करते हैं ना तो वो सारी चीजों को इन्वर्स कर देता है वैल्यूज को। तो जब वैल्यूज इन्वर्स हो जाती हैं तो हम उसको वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अगर हम उसी चीज के अंदर वन का इंक्रीमेंट करवा दें, एडिशन ऑफ वन कर देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, टू कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और इसको हम लोग स्टोर कर देंगे, स्टोर द रिजल्ट एट एड्रेस नंबर टू। तो हमने इसको स्टोर कर दिया नंबर टू के अंदर, बाकी एंड। अच्छा अब ये मास की वैल्यूज और नंबर टू की वैल्यूज आप लोगों ने कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अच्छा मास की वैल्यू क्या होगी? मास की वैल्यू अगर हम जब भी किसी भी चीज को, बिल्कुल सही अब्दुल्ला, जब भी हम इन्वर्स कर रहे हैं तो हम लोग मास की वैल्यू को कंसिडर करेंगे 1 1 1 4 5 6 7 8। ये आपकी मास की वैल्यू हो जाएगी जब आप
1111 से आप उसको जोर गेट करते थे, तो वो एक तरीके से सारी वैल्यूज को, ये देखो कहाँ पे होना चाहिए, पेपर ड्रॉ कर सिंगल लैंग्वेज, नहीं मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम में इंशाल्लाह आपको यही मिल जाएगा। बाइनरी शिफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट, कितना यार मेहनत की हुई है जी, अरिथमेटिक शिफ्ट। अच्छा ये और है, फिर एंड है, एंड के बाद आप लोग यहाँ पे देखो जोर कहाँ है भाई, एंड रेडी एंड सी एम पी, जोर 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 रहेगा। यार जोर की हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट की थी ना, इसमें नोट्स में क्यों नहीं है? शायद दूसरे नोट्स में हो, चलो इसको याद कर लो अभी फिलहाल, इसको समझ लो, समझा देता हूँ अभी। हाँ देखो, जब भी हम लोगों ने किसी भी बाइट को इन्वर्स करना होगा ना, सपोज करो ये 0 1 1 1 1 1 0 0, सही, ये एक बाइट है, इसको मुझे इन्वर्स करना है। इन्वर्स मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे जोर गेट अप्लाई कर दूंगा विद द वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1, सही। तो इससे सारी चीजें सारी चीजें जो है वो इन्वर्स हो जाएंगी, वन कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें आप इंक्रीमेंट करवाओगे तो वो टू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब नेगेटिव इक्विवेलेंट क्या है, अब इसका आप लोग नेगेटिव इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो, जो कि अब्दुल अशफाक तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, आई गेस बी 1 1 1 और 1 0 1 1, ये सब आपकी एएस की नॉलेज यहाँ पे चेक हो रही है। अच्छा आप एक काम ये करो कि मैं तुम लोगों को कुछ सवाल दे रहा हूँ, सही है? इसके थोड़े ज्यादा सवाल हैं, ये लो जी। हैमर टाइम लाइन करो, अच्छा जो मैंने आप लोगों को फाइल भेजी, एक मिनट जामर, अच्छा जो मैंने आप लोगों को फाइल भेजी है प्रोग्रामिंग की, जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आप लोगों ने करने क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद मैं अभी आप लोगों को एक और फाइल भेज रहा हूँ, जिसके अंदर से आप लोगों ने क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 35 तक करने हैं। ये सारे आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं फाइल नंबर 2 से। मैं दो फाइल्स भेज रहा हूँ प्रोग्रामिंग, अच्छा जो मैंने भेजी है पहले वो आप लोगों की फाइल 1 कहलाएगी, जिसके अंदर कोई हेडिंग वेडिंग नहीं होगी। अभी जो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसको तुम लोग अपने पास स्टोर कर लेना फाइल 2 के नाम से, जिसमें 9 16 18 22 25 35 क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर कर आने, सब चीज़ें सेम है लेकिन प्रैक्टिस मांग रहे हैं, फालतू में चौड़े में नहीं आ जाना और इनको अटेम्प्ट करके आना है हर किसी ने मुझे। हाँ फाइल 1 जो है वो तुम लोग की ड्राइव पे भी पड़ी हुई है, और मैंने तुम लोगों को वर्ड फाइल भी उस ड्राइव पे नहीं होगी लेकिन मैंने तुम्हें वर्ड फाइल्स वो की हुई है और कन्वर्टेड भी पड़ा हुआ है उस पर ही ग्रुप के अंदर ही, तो वहाँ से वो फाइल 1 कर लेना। मैं फाइल 2 इंशाल्लाह अभी कन्वर्ट करके तुम लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वहाँ से फाइल 2 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद प्रैक्टिस इसकी कर कर आना, ठीक है? कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं समझ आती फिर मुझसे पूछ लेना। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो बता दें, अगली क्लास में फिर हम लोग इम्पेरेटिव करेंगे। इम्पेरेटिव में एज सच कोई आप लोगों के पास सीखने को कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग पूरे ओ लेवल्स एएस के अंदर सिर्फ इम्पेरेटिव ही पढ़ते आ रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखानी है, लेकिन इसके अंदर भी आप लोग की कोई कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इसके अंदर आप लोगों की थोड़ी बहुत नॉलेज है वो हम लोग कंसिडर करेंगे।
फिर उसके बाद आपका थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सब चीज़ें सीखनी है ताकि आपको जब भी आप इसकी कोडिंग करें तो समझ आ जाए आपको। और तो साथ साथ एक सेकेंड।